हैरी पॉटर अरे चौथा पार्ट कब आ रहा है भाई? हैरी पॉटर भी निकाल दो। आ रहे हैं भाई, टाइम लगता है, अलग अलग चीजें ट्राई करनी पड़ती है, एंड आई अप्रिशिएट द पेशेंस, लेकिन बैक टू बैक में वो मजा नहीं है ना छोटू। एनीवे, तो कहानी शुरू होती है मनाली की एक कॉटेज से, जहाँ पे ये बड़ाव केयरटेकर हॉट टॉडी बना रहा होता है कि तभी उसे दिखती है सामने वाली खिड़की, और सामने वाली खिड़की में कोई जूते का बच्चा बैठा है। तो जाके चेक करना पड़ेगा ना केयरटेकर जो ठहरे। तो चचा अपने इतने स्मार्ट की गेट के सामने खुले में खड़े हो गए। बस फिर होना क्या था यार, पकड़ा गया बुढ़ावा और हो गया रैप इन पीस। लेकिन लाइक ऑलवेज ये तो सारा एक सपना था। तो आती है हरमोनी वॉटसन इनको उठाने के लिए, क्योंकि यार लेट हो रहे हैं यार, इनकी सवारी छूट जाएगी। तो रेडी शेडी होके निकलते हैं जंगल में, और एंट्री होती है ब्रूस वेन की। Strapping young lad must be Cedric, am I right? No, I'm vengeance. तो जाते हैं सारे मिलके अपनी सवारी पकड़ने पहाड़ पे। Dude, where's the सवारी? भाई सवारी के नाम पे अंकल जी ने पकड़ा दिया ये पुराना बास मारता जूता, एंड बूम। और हवा में अंकल बोले जूता छोड़ साले, एंड वेल। मैं कहाँ हूँ बहन? सर हम इस वक्त सबसे सुरक्षित जगह पर खड़े हैं। मतलब सिर्फ टांगे ही हिलाने की जरूरत थी भाई, लेकिन नहीं, अंकल को तो बच्चों की हड्डियां तोड़नी है, एंड नोबडी केयर्स। तो ये लोग जाते हैं जादूगरों के जादुई सम्मेलन में, जहां होने वाला है क्विडिच वर्ल्ड कप, लेकिन डायरेक्टर इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, सो शट द फक अप एंड मूव ऑन सन। तो वर्ल्ड कप स्किप करके ये लोग अय्याशी कर ही रहे होते हैं कि तभी आते हैं डेथ ईटर्स इंस्पायर्ड बाय KKK, और सबकी मैया भैया एक करके आसमान में कंपनी का जादुई स्टैंप ठोक के मेरे शूटर सारे वट लिए। तो मगल पुलिस की तरह लेट आने वाले जादुई मंत्री के जादुई अफसरों से बहसबाजी करके भैया जी चले केंद्रीय विद्यालय हॉगवर्ट्स। इस जादुई मंत्री को याद रखना, डेथ ईटर बनने का टेस्ट दोगे तो वर्ल्ड यही पूछेगा, तूने क्या मेरे को ये ना समझाई क्या? हाँ जी। तो स्कूल पहुंचते ही लौंडा भेजता है चिट्ठी अपने डॉग फादर को, और जाता है असेंबली में, जहाँ डंबलडोर बताते हैं कि बच्चों, अरे इस साल यहाँ होने वाला है इंटर स्कूल कंपटीशन, और हर स्कूल से बस एक पॉपुलर बच्चा सेलेक्ट होगा, और गेम सारे जानलेवा होंगे, मतलब लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन हमने चेंजेस तो कुछ मेजर किए नहीं, बस टूर्नामेंट फिर से स्टार्ट कर दिया। तो जो भी 17 एंड अबव है वो आके इसमें अपना नाम का पर्ची डाल देना, सिलेक्शन ये मग्गा खुद करेगा जी। तो स्कूल का पुराना रिवाज, नई साल के साथ आया नया टीचर Alastair Moody the Auror, अज़काबान में डाल देगा इफ यू ब्रेक लॉ एंड ऑर्डर। यार ये हर साल नए टीचर्स लाते कहाँ से हैं? नहीं मतलब पूरे संगठन में सबसे ज्यादा राड़ा यहीं पे होता है, फिर भी मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ना पक्का ये लोग री लेवल पे कोई तगड़ा सा पैकेज देके हायर कर रहे होंगे, क्योंकि री लेवल है इंडिया का सबसे पहला ऐसा हायरिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे तुम अपने स्किल्स यूज करके टेस्ट दे सकते हो, और बिना किसी रेज्यूमे बिना किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट के 15 दिन में जॉब ग्रैब कर सकते हो। हाँ बस 18 से ज्यादा उम्र होनी चाहिए। तो हॉगवर्ट्स की ही तरह और भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे, जैसे कि रेजर पे, अर्बन कंपनी, अपग्रेड एक्सेट्रा। इनके जो टेस्ट हैं वो एज ऑफ नाउ बिजनेस डेवलपमेंट, फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपमेंट, बिजनेस एंड डेटा एनालिटिक्स में अवेलेबल है, जो तुम अपने हिसाब से डेट चूज करके एक ही दिन में फिनिश कर सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री। रिसेंटली रीलेवल के थ्रू हिप्टो ने 2 कैंडिडेट्स को 28.5 लाख पर एनम एंड मोएंगेज ने 14 लाख पर एनम का पैकेज देके हायर किया। काफी सिंपल है, रीलेवल के वेबसाइट पे जाके वहाँ साइन अप करो, अपने हिसाब से टेस्ट दे दो, 5 दिन में स्कोर आ जाएगा, और स्कोर के बेसिस पे तुम्हारा इंटरव्यू मल्टीपल कंपनीज के साथ शेड्यूल हो जाएगा। और अगर तुम्हें देखना है कि टेस्ट्स कैसे होंगे तो इनके साइट पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, अलॉन्ग विद दैट तुम्हें सैंपल क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। रीलेवल अब तक 7 करोड़ से भी ज्यादा वर्थ के जॉब डिलीवर कर चुका है, और उनके लीडर बोर्ड पे सारे के सारे कैंडिडेट्स की डिटेल्स मिल जाएंगी तुमको, कौन कौन कहाँ कहाँ प्लेस हुआ है। तो ज्यादा सोचो मत, वीडियो पूरी देखो और जाके चेकआउट करो रीलेवल बाय अनअकैडमी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन डायरेक्टर साहब को इससे भी तकलीफ है, बेचारे की मैजिकल आई को मैकेनिकल फील दे दिया यार। तो चचा जी फ्रस्ट्रेशन में पढ़ाते हैं इनको कोई माफी नहीं मिलेगी स्पेल्स के बारे में, किसी का भी रिमोट कंट्रोल करने के लिए, किसी के भी टट्टे जाम करने के लिए, और अल्टीमेट RIP इन पीस स्पेल। ये तीनों स्पेल याद रखना, 700 के होते ही पिछली बार की तरह वाइवा में यही पूछूंगा। एंड फाइनली सिलेक्शन टाइम। तो ये जलता हुआ मग्गा थूकता है 3 पर्ची और सेलेक्ट करता है सबसे पॉपुलर 3 बच्चे, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मग्गास, मग्गे ने थूका 4th नाम, JK रोलिंग का सलमान भाई। Did you put your name into the goblet of fire, Harry? Dumbledore asked calmly. Harry! I protest! Harry, you put your name in a goblet of fire. Cut it! You asked one of the older students to do it for you? No, sir. Cut it, yaar. Cut it! You're absolutely sure? Back up. Back up, bhai! Back up!
नहीं अंकल, मैं क्यों करूंगा? झूठ बोल रहा है साला। ओए सच बता। अरे अभी तो कल ही 17+ का एज रिस्ट्रिक्शन लगाया था, एक्ट अकॉर्डिंगली यार। अरे लेकिन मग्गे में कॉन्ट्रैक्ट है ना भाई। अरे कहाँ है वो सरकारी अफसर, वही डिसाइड करेगा। बलिदान देना होगा। ओके, होल्ड अप। माई क्वेश्चन इज, अगर तुम्हें टूर्नामेंट ही रखना है तो बिना बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के रखो ना, बिकॉज यू आर रनिंग अ स्कूल जहां तुम बच्चों को पढ़ाते हो, एंड दीज आर गोना बी गेम्स विच आर गोना बी डेंजरस ऑलरेडी। तो ऐसा चूतिया टूर्नामेंट बनाया ही क्यों? क्योंकि इस मग्गे का तो सही है, यू प्ले द गेम यू मे डाई, यू डोंट प्ले द गेम यू डेफिनेटली डाई। एंड हैरी के केस में तो इवन इफ यू विन द फकिंग गेम यू स्टिल डाई। मतलब बाजू वाले गांव में फील्ड ट्रिप पे जाना है तो पेरेंट्स का साइन चाहिए, लेकिन मौत का खेल खेलने के लिए इससे खुद से भी नहीं पूछेंगे कि बेटा खेलोगे? बट दिस स्कूल इज सेफ, ओके? अगर मौका मिले तो आप भी अपने बच्चों का एडमिशन कराना। हाँ जी, तो अगले दिन स्कूल में आती है जेके रोलिंग की अमीश देवगन, लेती है इसको आड़े में, और यार इसके लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे, बट लकीली दिस वॉज जस्ट एन इंटरव्यू, मैं तो कुछ और ही समझा था। फिर शाम को आती है डॉग फादर की चिट्ठी, जो इसके साथ जादुई वीडियो कॉल करना चाहता है। तो लौंडा जाता है जेके रोलिंग का स्काइप करने और बताता है इसको अपने सपने के बारे में, लेकिन ये आदमी इसको अलर्ट करने की जगह कहता, भौभौ बेटा उसको इग्नोर कर, अरे वो तो एक सपना था, तू टूर्नामेंट पे ध्यान दे, इसमें लोग मारे भी जाते हैं ब्रो। वाह क्या मोटिवेशन है, वाह क्या मोटिवेशन। आसान है? नहीं, आई थिंक आपके लिए आसान नहीं होगा। तो लौंडे को खबर मिलती है कि दाढ़ी वाले सतीश शाह ने मिलने बुलाया, तो अंधेरी रातों में सुनसान जंगल में ये लेके जाता है इसको ड्रैगन दिखाने, क्योंकि बिग बॉस चाहते हैं कि पहले टास्क में ड्रैगन से कुल्हा फटवाया जाए। तो लौंडा पहले जाता है ब्रूस वेन को बताता है कि भैया पहले टास्क में ड्रैगन है। फिर अलेस्टर हॉट टॉडी इसे लेके जाता है अपने कमरे में और बोलता है कि असन भाई और नेपोटिज्म की गीली सुपारी, हलवा नहीं है ये टूर्नामेंट, थोड़ा दिमाग चला लियो अखाड़े में। हां नहीं तो साला ये बड़ी हेल्प कर रहा है इसकी, हैं इतने प्यारे लोग होते हैं कहीं, आई डोंट नो। एंड कट टू पहला टास्क, पोटली में से उठा के सेलेक्ट किए ड्रैगन्स और भेज दिया बच्चों को शहीद होने, बट सेफली, हां यू नो बिकॉज़ दिस स्कूल इज सेफ। एंड ऑब्वियसली अब जेके रोलिंग का सलमान भॉय ने जीता तो पिक्चर बनाने का क्या फायदा। तो लौंडा गया ड्रैगन का सर फोड़ के बेचारे को पानी में गिरा के सुनहरा हार उठा के ले आया, और रातों रात पब्लिक में पॉपुलर। तो भैया जी पटेली में भरी सभा में सुनहरा आंट खोल देते हैं और लोगों के कान के पर्दे LMAO डेड। फिर अगले दिन ये लोग जाते हैं मैगी जी की क्लास में, जहाँ ये बताती हैं कि बेटा इस मौत के खेल के भी अपने मजे हैं ब्रो, क्योंकि सामूहिक डांस पार्टी जो होती है, तो सालों स्कूल की इज्जत रख लेना, अच्छे से डांस प्रैक्टिस कर लो और ढंग के कपड़े पहन के नाचने आ जाना, टाइम पे नहीं तो टांगे तोड़ के गर्दन पे लटका दूंगी, लेफ्यूसा करके घूमते रहना फिर खेतों में। तो कट टू पार्टी टाइम, हैरी पॉटर और रॉन पीसली जाते हैं पाटिल सिस्टर्स के साथ। डूड कम ऑन, यू कुड हैव डन सो मच बेटर विद योर आउटफिट्स डूड, क्या ही हो रहा है इधर। बट एनीवे, सिंस नोबडी केयर्स, तो फॉर्मल डांस के बाद द रियल पार्टी बिगिंस। एंड थक हार के सोने गए तो एक और सपना, और इस बार सपने में दिखा हड्डी और उसके अंदर घुसा तो बिली मैंडी, एंड वंस अगेन। तो अगली सुबह एमा ग्रेंजर देती है इसको चार गाली कि साले अभी तक सुनहरे आंड का सुनहरा क्लू नहीं ढूंढा तूने, दो दिन बाद अगला टास्क है, क्या करेगा, हगेगा। बट नॉट टू फियर, बैटमैन इज हियर। तो ही इज लाइक, क्या कर रहे हैं आप? अरे छोटे, तू क्लू नहीं ढूंढेगा तो मूवी आगे नहीं बढ़ेगी ब्रो, तो मायूस मीना के पास जाओ, उसके सामने बाथटब में नहा, तभी खुलेगा ये अंडा, कुछ साल में देखना मैं चलाऊंगा WB का धंधा, सूत काटने का। तो लौंडा जाता है और डुबकी लेके अगला क्लू निकालता है, तो अब अगले टास्क के लिए लेना पड़ेगा सांस पानी के अंदर, तो चलो लाइब्रेरी का भी थोड़ा यूज करते हैं, ऐसी थोड़ी बनवाई है स्कूल में। तो इसकी समस्या का समाधान निकालने के लिए आता है अपना लंबा बॉटम और देता है इसको गीली वीड, क्योंकि अगला कॉम्पिटिशन है काले पानी में। तो भीड़ भी आ गई और पार्टिसिपेंट्स भी आ गए और उनके चहितों को पानी में बांध के रख भी दिया, सो लेट्स गो। अच्छा होल्ड अप, वंस अगेन एक बात बताओ, पिछला टास्क तो ठीक था, चलो इसमें ये सारे खड़े होकर देख क्या रहे हैं, मछलियों की टट्टी? तो गीली वीड खा के बन गया आधी मछली और लिटरली गहराइयों में उतर के गहरी गहरी सर्च एंड रेस्क्यू करने लग गया। लेकिन मूवी का हीरो है भाई, एक्स्ट्रा उंगली करने की आदत है, मतलब ये नहीं सोचा कि भाई चौथी जो पार्टिसिपेंट है, जो इसको अभी तक नहीं पता कि पकड़ी गई और कंटिन्यू नहीं करेगी, वो आएगी तो किसको बचाएगी ना, इनको तो बस जीतने से मतलब है भाई। तो भाई साहब दोनों को लेकर निकल लिए, एंड सिंस दो लोगों को बचाया था तो इसको सेकंड प्लेस दे दिया।
अबे करना ही था तो टाई कर देते सेकंड प्लेस पे, नहीं मतलब जो मेहनत करके सेकंड आया उसका तो कुछ नहीं है ना। देख रहे हो नेपोटिज्म के पर्क्स? देखा पूरा देखा। बट एनीवे, तो कॉम्पिटिशन के बाद आता है मूवी के स्टार्ट वाला सरकारी अफसर, और मूडी द मैडी को देख के इसको होता है शक, व्हाट द फक एंड ओएमजी व्हाट अ कोइंसिडेंस, रात को जंगल में देखा तो सरकारी अफसर इज एलएमयू डेड। ये तो साला होना ही था। तो लौंडा जाता है डंबल द डोर से मिलने, और कमरे में उंगली करते करते इसको मिलता है चच्चा की मेमोरीज का डेटा बैंक। तो लाइफ में बाकी कुछ होना हो इसको क्यूरियोसिटी तो बहुत है, तो करते हैं भाई साहब 4D वीडियो प्लेबैक एकदम इमर्सिव एक्सपीरियंस के साथ। और इसको दिखता है जादुई सुप्रीम कोर्ट का एक फास्ट ट्रैक केस, जहां पे जुबान केसरी प्रिंसिपल के ऊपर चल रहा है मुकदमा। तो अज़्काबान से बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो भाई साहब बन गए स्निच और एक एक करके वोल्डेमॉर्ट के आधे से ज्यादा फॉलोअर्स की रेड पीटती, इंक्लूडिंग सरकारी अफसर जूनियर। तेरा थोबड़ा किधर सुनने लगता है? And boom, end of playback. तो finally, एक समझदार इंसान की तरह ये डम्बली डोर को बताता है कि चच्चा हमको साला एक ही सपना बार बार दिख रहा है, उसमें साला बिना नाक वाला गंजा, पिछली मूवी वाला इच्छाधारी चूहा और सरकारी अफसर जूनियर दिखता है। क्या क्या बोलते हैं, ये सब रियलिटी है, सस्ते नशे। तो चच्चा भी इसको चूतिया बना दिए, बोले बेटा ये सब मोह माया है, तू अपने एग्जाम पे ध्यान दे, चल 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 चल। मतलब पता है सबको कि विलेन के साथ इसका दिल से दिल का कनेक्शन है, लेकिन फिर भी इसको सीरियसली नहीं लेते। कमाल करते हो एल्बस जी। एंड कट टू फाइनल टास्क, आज इनको जाना है भूल भुलैया में। जी हाँ देवी और सज्जनों, कोई ऐसी वैसी नहीं, जादुई भूल भुलैया। एंड वंस अगेन ऑडियंस सारी बैठी है स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो जब तक चैंपियंस बाहर नहीं आते तब तक इन्हें बस घास देखनी, मतलब स्पेक्टेटरशिप ओपी। तो भूल भुलैया में जिम वाले भैया हो जाते हैं पागल, क्योंकि किसी ने रिमोट कंट्रोल पकड़ लिया है और पागल होके फ्रेंच दीदी को जिंदा दफना दिया। बताओ, बोला था ना पागल हो गया, लेकिन इसको छोड़ दिया क्योंकि मूवी आगे बढ़ानी है ना। तो थक हार के कप के सामने पहुंचते हैं हॉगवर्ट्स के दोनों प्लेयर्स, मतलब दूसरे स्कूल्स को जीतने का चांस ही नहीं था ब्रो, और रेस शुरू। तो सिंस अभी इसकी बैटमैन बनने की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई तो बेचारा फंस गया, लेकिन जेके रोलिंग का सेलमोन मूवी का लीड है तो वो हेल्प किए बिना रह नहीं सकता। तो इस पगलेट भूल भुलैया से बच बचा के ये दोनों डिसाइड करते हैं कि भैया ट्रॉफी को साथ में छुएंगे, फर्स्ट प्राइज के लिए दोनों टाई करेंगे, ठीक है। एंड बूम, ट्रॉफी तो निकली बोर्ड की जैसा मूवी के स्टार्ट वाला जूता था, और पहुंच गए दोनों हर्री के सपने वाली लोकेशन पे। तो आता है कोपचे में से इच्छाधारी चूहा हाथ में लेके कुपोषित वोल्डेमॉर्ट। What the fuck was he into all this time, dude? क्या हाल बना लिया बताओ? तो अपना Batman being a senior पूछता है। क्या करने आई है यहाँ तू? अवार्ड खाने। अबे बड़ा गांडू है भाई, अरे बेचारे ने छोटा सा सवाल ही तो किया था, मार दिया सीधा। हद होती यार, कतई मतलब लीचड़ आदमी है कतई। तो ये दुष्ट चूहा हर्री को खिसकाता है साइड में, जलाता है अपना चूल्हा और डालता है कुपोषित वोल्डी को खोलते हुए पानी में आया। No, फिर कब्र से निकालता है वोल्डी के बाप की हड्डी, दान में चढ़ाता है अपना एक हाथ और लगाता है हर्री के हाथ पे चीरा और डालता है इसका खून भी इस मटके में। एंड बूम, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट इन द हाउस। वेट अ मिनट, मतलब हैरी आज से वोल्डेमॉर्ट का मैजिकली बायोलॉजिकल बाप है? Am I right? Let me know in the comments. तो एक गंजा अपना रिटर्न स्पीच देता है कि रात तुम्हारी अम्मा ने कोई घनघोर जादू किया था बेटा, इसलिए तेरे को छू नहीं सकता था, लेकिन अब देख छुआ मैंने, ये लो मैंने फिर छुआ। तो लॉर्ड गंजा मोट बोला जादुई स्टैंड ऑफ टाइम, लेकिन लाइक आई सेड ये लौंडा जेके रोलिंग का सलमान भॉय है तो ऑब्वियसली पावरफुल भी होगा, ऊपर से हर लड़ाई में साला इसके माँ बाप आ जाते हैं अपोनेंट के चुतड़ में उंगली करने। तो मौके पे चौका मार के भागा और ट्रॉफी और ब्रूस वेन की बॉडी उठा के बूम बैक टू पवेलियन, और लोगों में खुशी और उल्लास की लहर दौड़ रही है अंटिल दे रियलाइज कि ब्रूस वेन इज एलएमएओ डेड, मतलब नॉट एलएमएओ जस्ट डेड। रुक क्यों गए, बजाओ बाजे बजाओ, अरे मना लो खुशी भाई, है फुद्दू गेम्स बना रखे हैं सालों ने। एग्जैक्टली। सो व्हाइल ये लोग इस खबर को डाइजेस्ट कर रहे हैं, प्लास्टर मूडी लेके जाता है डैनियल पॉटर को अपने कमरे में और करता है पूछताछ की अरे भैया कैसे दिख रहे थे वोल्डी बाबू है, अरे अब तो लंबे हो गए होंगे है ना, नया परफ्यूम भी लगा रहे होंगे आजकल तो, अरे क्या चीरा मारा के नहीं बराबर। चल अभी बहुत हो गया तेरा, अब तू मेरा शिकार है। कि बूम, कमरे में आए प्रिंसिपल और उनका गैंग, पिलाया इसको वेरिटा सीरम एके द ट्रुथ सिरप और कराया सच का सामना। और ये तो साला निकला सरकारी अफसर जूनियर जो सालों पहले अज़्काबान से भाग गया था। OMG, और ये सारा खेल इसी ने रचाया था सो दैट हैरी ये कंपटीशन जीते और ट्रॉफी पकड़ के वोल्डेमॉर्ट के पास पहुंचे और कुपोषित वोल्डी को पका के ये लोग इसका खून का मसाला डाल के डार्क लॉर्ड को वापस लाएं। वाह क्या
प्लान है ब्रो, मतलब एकदम ही चूतिया प्लान है, लास्ट में बताता हूँ कैसे। तो इसको अस्कबान भिजवा के चच्चा असेंबली में बताते हैं कि अपने बैटमैन को क्या हुआ था। फिर हरी द पुत्र को जाके थोड़ा सा पेप टॉक देते हैं कि बेटा अभी तो तू घर जा, अगले मूवी में और भी लॉ लगने वाले हैं, बॉडी शॉडी बना के आना, लेकिन ज्यादा नहीं बनाना, सलमान नहीं लगना है, है तू हैरी। और इस तरफ ही जिम वाले भैया हरमोहिनी दीदी को लव लेटर शटर दे रहे हैं। साले नाबालिग है वो, कुछ तो शर्म कर। बस फिर दूसरे स्कूल के बच्चों को कर दिया बाय बाय और मूवी खत्म। बट नामकरण से पहले लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ आई एम रॉन्ग, बट डोंट यू थिंक दिस होल ट्राइविजर्ड टूर्नामेंट वाज कंप्लीटली अननेसेसरी? क्योंकि नंबर वन, वर्ल्डी को पकाने के लिए दुश्मन का खून चाहिए था, तो दुश्मन तो बहुत है यार, और चलो माना सबसे इजी दुश्मन यही है, तो बेटा इतना लंबा झमेला करने की क्या जरूरत थी? करने को तो किसी भी चीज का पोर्ट की बना के पकड़ा देना था इसको, पहुंच जाता सीधा ठिकाने पे, नहीं तो खून जबरदस्ती निकालना था ना बस। तो भाई किसी भी पंटर को भेज के खून निकलवा लेते, भाई ब्लड डोनेशन बोल के तो करता नहीं, जबरदस्ती निकालना पड़ता। मतलब इतने सारे ऑप्शन थे, लेकिन नहीं, इस गंजे ने लंबा रूटी लेना है। इस मूवी का नाम हैरी पॉटर एंड द गॉब्लेट ऑफ फायर की जगह हैरी पुत्तर एंड द मग ऑफ जबरदस्ती फीचरिंग फैकल्टी जो बोले मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम होना चाहिए था, ज्यादा सेंस बनता। नहीं सच में ज्यादा सेंस बनता ब्रो। And then again, don't forget to check out Relevel by Unacademy. तुम्हारे जॉब ढूंढने के बहुत ही काम आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेकआउट करो आज ही। Anyway, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद आई हो तो शेयर भी कर देना, और चैनल पे हो तो यार सब्सक्राइब भी कर दो, एंड लगे हाथ इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो, क्योंकि 700K होने पे वाइवा जो मैं लूंगा वो हमेशा की तरह वहीं पे लूंगा, इफ यू हैवंट रियलाइज्ड इट येट। बाकी तो तुम इंस्टाग्राम पे मिलो, बाकी बातें वहां करेंगे हम। आए बड़े।